हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम इशिता है और आज के चैनल में आई मेक दिस टॉप। सो इट्स काइंड ऑफ अ क्यूट टॉप टू हैव इन योर वार्डरोब। इट्स अ वर्सेटाइल, यू कैन पेयर इट विद सो मेनी डिफरेंट आउटफिट्स एंड द लुक्स दैट यू कैन हैव। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैरअप किया है, एक वाइट टॉप के ऊपर मैंने पैरअप किया है। आप उसके ऊपर श्रग और जैकेट और स्वेटर्स और एनीथिंग यू कैन गाइस थिंक ऑफ। और मैंने इसकी लेंथ टोटल डाली है 29 inches लॉन्ग। सो आप उसको एज अ ड्रेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू एड जस्ट फ्यू इंचेस एंड यू हैव अ नाइस नी लेंथ ड्रेस। और आई डोंट थिंक फुल लेंथ विल बी कोऑपरेट विद दिस डिज़ाइन। सो आई थिंक नी लेंथ ड्रेस बहुत ही क्यूट लगेगा, स्पेशली टू वेयर इट इन समर। बट नाउ वी आर मूविंग टू द विंटर सीजन्स, तो इसके आई थिंक द शॉर्ट ड्रेस इज शॉर्ट कुर्ती इज क्यूट। मैं इसके ऊपर आई कैन ऐड अ जैकेट और आई कैन जस्ट वेयर अ स्पेगेटी एंड देन ऐड अ जैकेट और स्वेटर। सो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही क्यूट लगेगा एंड गो विद द जीन्स। सो वॉच दिस होल वीडियो एंड पूरा डिस्क्रिप्शन में मेजरमेंट्स नीचे हो गए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज गाइज कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ टू कम। और आई डू वॉन्ट टू मैंशन कि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं मेरे प्रोडक्ट रिव्यू पे। सो आई जस्ट लव इट। अगर आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखने हैं तो प्लीज़ गाइज लेट मी नो। एंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस टाइप ऑफ ड्रेस इज सो कोऑपरेटेड विद द प्रेगनेंसी, लेडीज़ भी पहन सकती हैं एंड उनके ऊपर बहुत ही क्यूट लगेगा। सो ये कॉन्सेप्ट एज अ प्रेगनेंट लेडी के ऊपर भी जाता है, जो मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया था दिस विन। सो गाइज चेक दिस वीडियो आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा और आपको और क्या चाहिए इस चैनल पे। आई विल ट्राई टू मेक इट कॉन्स्टेंट, आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियोज ऑन माई चैनल कॉन्स्टेंट एंड आई विल ऑल्सो एड ब्यूटी टिप्स। सो आई डू हैव अ व्हाट्सअप कैटलॉग फॉर माई fashion line and as well as I am also selling some homemade soaps over there, scrunchies, kurtis and many more to come, I hope. So please guys mujhe appreciate kariyega and check out my WhatsApp catalog which link will be in the description box down below. So guys let's see the whole process. आपको मैं बता दूँ कि मेजरमेंट्स के लिए क्या चाहिएगा। आपको फुल लेंथ चाहिए होगी, आपको शोल्डर्स चाहिए होगी, अपर चेस्ट, chest, waist, shoulder to waist and neck depth. I hope you can see this because मैंने according to my measurement मैंने इसको marking किया हुआ है। So first thing जो different है, हमें first thing लेनी है shoulders से, right? ये just सिर्फ lining है और मैंने यहाँ पे shoulders मेरे 12 लिए थे तो divided by 2 is 6 यहाँ पे आएगा। और ये स्पैगेटी स्ट्रैप्स होने वाला है तो इसके लिए मुझे ये पोर्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें पहले शोल्डर से लेके वेस्ट तक का मेजरमेंट चाहिए जो है 14 inches, बट मैंने 14.05 inches जो सीम्स अलाउंस का होता है वहाँ पे मैंने मार्किंग किया यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं ओरिजिनल शोल्डर्स का माप लूँगी तो मुझे शोल्डर्स हाफ होके यहाँ पर आएगा, बट मैंने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे कर्व आना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमारे आर्म होल पे कर्व होता है अंदर की तरफ से ताकि ये स्मूथली फिट हो। इसलिए हमें यहाँ पे कर्व नहीं लेना है, हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ तक। ये मेरा 8.5 का डेप्थ है यहाँ पर जो मैंने लिया है, यहाँ से 3 से लेकर 8.5 तक मैंने दो मेजरमेंट्स लिए हैं, एक अपर चेस्ट का एंड लोअर चेस्ट का मेजरमेंट, जिसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता उसको कैलकुलेट करने में कि अपर चेस्ट का 6.9 एंड लोअर चेस्ट का 7.3 है। तो फिर ये दोनों पे मैंने लाइनिंग की है और इसको हाफ करना है 6.9 पे और जो यहाँ पे आएगा हमें अंदर की तरफ लेना है 0.5 और इसके हिसाब से आई विल ड्रॉ अ कर्व। बट ये कर्व सिर्फ एज अ मार्क के लिए होगा, हमें यहाँ पे कर्व नहीं करना है। ये वाला पॉइंट हमें निकालना है जो कर्व से आएगा और यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालनी है, राइट? और एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे। सो हमें ये पॉइंट
और यहाँ तक जो भी पिंक लाइनिंग में है हमें इसको कट करना है। एंड बैक साइड जो मेरा लोअर नेक लाइन है उसके हिसाब से ये वाला मेरा स्ट्रेट बैक लाइन होगा। सो वी आर आई एम कटिंग दिस कॉटेस्ट मटीरियल, इट्स ऑल्सो डन, कटिंग हो चुका है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कट ये बचे हुए फैब्रिक जो हमने ऊपर का छोड़ा था उससे बनाए गए स्ट्रिप्स, द स्पेगेटी स्ट्रिप्स। ओके, सो ये बहुत ही पतली होनी चाहिए एंड इट शुड बी लाइक डिफाइंड। हमारे लिए ऑप्शंस है लाइक आई कैन यूज़ दिस पोर्शन, लाइक ये पूरा ब्लैंक है, या तो फिर आई यूज दिस डॉटेड ऑप्शन। सो आई थिंक आई शुड गो विद द ब्लैंक वन बिकॉज इससे काफ़ी अच्छी इफेक्ट आएगी एंड आई वॉन्ट इट सो थिन। सो मैं यहाँ पर सिर्फ फोल्ड कर रही हूँ एंड आई विल प्रेस दिस और हमें एक स्ट्रेट लाइन, इतना लंबा तो हमें चाहिए नहीं होगा, बट आई एम गोइंग टू मेक टू स्ट्रिप्स आउट ऑफ दिस फैब्रिक। सो हमारी ये स्ट्रिप रेडी है और हमें बॉर्डर्स पे अटैच करना है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। तो हमें इस स्ट्रिप को शोल्डर्स के हिसाब से, आर्म होल के हिसाब से मेजरमेंट लेना है। सो आई विल टेक एट बाय, जो मैंने आर्म होल का कैलकुलेशन निकाला था 6.9, तो मैं उसके हिसाब से अपनी स्ट्रिप कट करूँगी। 6.9 + 6.9 इज 13.8। सो 13.8 एक साइड का, वैसे हमें दो स्ट्रिप्स कट करनी है। एंड ऑल्सो द सीम अलाउंस यानी कि 14 इंचेस आई विल कट, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहा। सॉरी गाइस, यहाँ का कॉल बोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। फ्रंट जस्ट एडिटिंग राइट नाउ, मैंने यहाँ पे जो लिए है फ्रंट और बैक बॉर्डर के दो भी पार्ट हमें कट करना है और वो दोनों को हमें साथ में स्टिच करना है और बीच में स्ट्रिप्स रखते हैं, स्ट्रिप्स रखते हैं। तो हमें एक तरफ तीन लाइक बॉर्डर मिलेगा, सो इट विल बी लाइक सो परफेक्ट टू वॉश। यहाँ पर जैसे बताया है दोनों पार्ट को ऊपर से हमें स्टिच करना है, बीच में स्टिच करके परफेक्ट। और ये राइट साइड टुगेदर यानी कि ये इसके ऊपर ऐसे आएगा, फ्रंट है। सो ऑब्वियसली पहले मैं यहाँ पे एक एंड पे पिन लगाऊंगी एंड एट दिस एंड वन पिन। पहले मैंने ये फ्रंट साइड पे लगाया है, बाकी बाद में हम बैक साइड पे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। एंड अभी आई एम एडजस्टिंग द गैदर्स ताकि वो इक्वली आए। सो अभी क्या करना है, अभी आई एम स्टिचिंग द साइड वन साइड और एक साइड पे हम जिप लगाएंगे। सो ये सिर्फ रेगुलर स्टिच एंड देन zigzag स्टिच टू क्लोज इट अप एंड या ऑलमोस्ट रेडी। Hi guys, so this is my final product और मैंने ये pair up किया है jeans और ये top। ये top के ऊपर आप simple से fake ऐसा top भी पहन सकते हैं, अंदर पहनने की ज़रूरत नहीं है। But I have like added a layer, inside layer a plain white top and आप ये सिर्फ as a spaghetti type भी पहन सकते हैं एंड उसके ऊपर shrug or jacket, it will look so nice. सो इट्स अ वर्सेटाइल थिंग टू हैव इन योर वार्डरोब। और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और डिस्क्रिप्शन में सारे मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक इट आउट। और मेरा तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।